हेलो दोस्तों, गेम ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आपका भी इन्वर्टर बैकअप नहीं दे रहा है, ठीक है, आपकी बैटरी सही है लेकिन फिर भी बैकअप बहुत ख़राब हो गया, तो सबसे पहले आपको बैटरी का पानी चेक करना है, ठीक है। बैटरी में वाटर लेवल चेक करना है, सभी का वाटर लेवल सही होना चाहिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा डाउन नहीं, इतना है काम चलेगा लेकिन बहुत ज़्यादा डाउन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जिसमें कम जैसे डाउन हो थोड़ा थोड़ा, इसमें आपको सबसे पहले पानी डालना है। पानी डालने के बाद आपको क्या करना है, ये देखिए यहाँ पे जो जंग दिख रहा है, दोनों पिन को अच्छे से इसको खोल लेना है, ठीक है। खोल लेने के बाद, ठीक है, सबसे पहले इसको इस सबको भी आप क्लीन कर दें, बैटरी को ड्राई जगह पे रखें, ठीक है। देखिए जो भी जहाँ दिक्कत हो ना, वो थोड़ा हीट हुआ, जैसे यहाँ पर देखिए थोड़ा थोड़ा हीट जरूर है और वहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे भी हीट है। इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं हल्का फुल्का लूज है। आपको क्या करना है, दोनों को अच्छे से खोल लेना है, ठीक है। खोल लेने के बाद आपको क्या करना है, इसको अच्छे से क्लीन करना है। क्लीन कर लेने के बाद फिर से सही तरीके से इसको कनेक्ट कर देना है, ठीक है। आपको दो, ठीक है, दो प्लास का आपको हेल्प लेना पड़ेगा, इसको प्लायर आप बोलते हैं। यहाँ से आप सप्लाई काट के भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 12 वोल्ट का आता है, उससे दिक्कत नहीं होगा आपको, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। बस स्विच पहन के कीजिए, ड्राइव के तो हल्का सा भी कोई दिक्कत नहीं होगा, 12 वोल्ट से आदमी को करंट नहीं लगेगा। चलिए इसको आपको क्या करना है, ऐसे निकाल दीजिए। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे कार्बन अर्बन आ चुका था, तो सबसे पहले इस सबको भी क्लीन करना है। उसके बाद यहाँ, ठीक है, इसको फाइल की मदद से थोड़ा सा आप इसको स्क्रेच कर लें, ठीक है। इसी तरह दोनों साइड करना है, उसको भी खोल के ऐसे ही आपको क्लीन करना है। साथ ही साथ जिसमें जिसमें पानी कम है उसमें पानी डालना है। इसमें पानी है, जैसे ये देखिए सबसे कम था, मैं इसको आपको खोल के दिखा रहा हूँ, इसमें पानी है लेकिन इतना से काम चलना चाहिए, और कम हो जाता तब जाकर दिखा दीजिए। पानी इसमें है, ठीक है, पर थोड़ा सा और पानी मैं इसमें डाल दूंगा, लेकिन पानी से दिक्कत नहीं है, यहाँ दिक्कत है कनेक्टर से, क्योंकि ये हीट हो रहा था, ठीक है। और ये जो है माइनस वाला, ये भी टर्मिनल हीट हो रहा था, तो मैं अभी क्या करूँगा, दोनों को खोल के अच्छे से क्लीन करूँगा, ठीक है। उसके बाद फिर से कनेक्ट करके थोड़ा सा पानी डाल दीजिएगा, बैकअप इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो अगर आपका भी इन्वर्टर में बैकअप बहुत कम हो गया, 10 से 15 मिनट बैकअप दे रहा है, तो आप इतना कुछ करें, अगर बैटरी सही है, ठीक है, तो आपका बैकअप बिल्कुल पहले जैसा हो जाएगा, 5 घंटे 6 घंटे, ठीक है। अगर आपको ये भी टेस्ट करना है कि बैटरी ख़राब हो चुकी है नहीं, तो आप मुझे कमेंट करें, मैं उस पर भी वीडियो डाल दूंगा, हाइड्रोमीटर से बैटरी कैसे टेस्ट करें, ठीक है। ठीक है दोस्तों, जब क्लीन हो जाता है तो थोड़ा थोड़ा आपको क्या करना है, इसमें ग्रीस लगा देना है, ताकि इसमें जंग ना लगे। प्लस वाला प्लस में और माइनस वाला माइनस में जोड़ना है, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक वाशर के साथ आपको इधर से लगा देना है, ठीक है, फिर एक वाशर देना है, ठीक है। वाशर देखिए अच्छे से क्लीन करना होगा आपको, फिर इसको ऐसे लगाइए, इसको टाइट कर दीजिए। आपको पूरा कोशिश करना है ये वाला पोर्शन हमेशा क्लीन रहे और ड्राई रहे।
फिर दोस्तों पानी डालने के बाद जो भी पानी बाहर गिरता है उसको आपको तुरंत क्लीन कर देना है। और ध्यान रहे कि ये जो बैटरी से निकला हुआ पानी है वो आपके कपड़े में ना लगे, वरना कपड़ा आपका ख़राब हो सकता है। ये एसिड रहता है और आपके कपड़े को ये जला सकता है। ठीक है दोस्तों, अब आप अपना इन्वर्टर का बैकअप चेक कीजिए, बिल्कुल आपका इन्वर्टर का बैकअप पहले से बेहतर हो गया होगा। ठीक है, और जो कभी कभी चार्ज होता था, कभी कभी चार्ज नहीं होता था, वो अब थोड़ी देर में ये अच्छे से चार्ज भी होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, मैंने एक बार सप्लाई डिसकनेक्ट करके कनेक्ट किया है। ठीक है, और आपका इन्वर्टर जो चार्ज नहीं होता था वो अब सही तरीके से चार्ज होना भी शुरू हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा रुकने के बाद ये देखिए चार्ज होना शुरू हो गया। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और इसी तरह की जरूरी वीडियोज पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।